अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहती हूँ। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि औरत को ज़्यादा मज़ा आगे से आता है या पीछे से। सब कुछ जानिए इस वीडियो में। औरत से हम बिस्तरी किस पोजीशन में की जाए, हर मर्द के लिए ये बहुत मालूमाती वीडियो है। तो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपनी औरत को पूरी तसल्ली करवाइए। दोस्तों, आम तौर पर लड़कियों को आगे से करवाना ज़्यादा पसंद है, और उसकी वजह ये है कि जब मर्द आगे से नफ्स डालता है तो औरत को तकलीफ़ कम होती है और मज़ा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि औरत की अगली शर्मगाह में पानी आ जाता है और रगड़ कम होने की वजह से मज़ा भी ज़्यादा आता है। दोस्तों, औरत को पीछे से भी मज़ा आता है, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पिछली जगह से अगली जगह की तरह पानी नहीं निकलता और काम खुश्क होता है, जिसकी वजह से नफ्स रगड़ ज़्यादा खाता है और औरत को तकलीफ़ भी ज़्यादा देता है। जिस मर्द का नफ्स लंबा और मोटा हो तो उससे औरत भी दूर भागती है, तो उससे औरत की कोशिश होती है कि मर्द आगे से ही करे, क्योंकि पीछे डालेगा तो मोटा नफ्स उसकी तबाही मचा देगा। दोस्तों, कई औरतें होती हैं जो इतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेती हैं और ज़्यादा मज़ा पीछे आता है उन्हें। और मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि औरत को पीछे से करवाना ज़्यादा पसंद है या आगे से। दोस्तों, आप औरत की पस्तांग चूसते रहें, और जब आपको लगे कि औरत गर्म हो गई है तो आप पहली दफ़ा ही अपनी उंगली औरत की शर्मगाह में डाल दें और उससे औरत की शक्ल देखें कि वो कैसा मुंह बनाती है, और फिर एक दो मिनट में अपनी उंगली औरत की शर्मगाह में डालें और देखिए क्या मुंह बनाती है। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि औरत का दिल किस तरफ है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।